नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद का निधन। पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी का बुधवार रात यहां निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। दयानंद आश्रम के न्यासी स्वामी शांतात्मानंद सरस्वती ने बताया कि स्वामी दयानंद ने रात 10:18 पर शीश मझाड़ी स्थित दयानंद आश्रम में ही अंतिम सांस ली। मोदी ने न्यूयॉर्क पहुँचने के तत्काल बाद ट्विटर पर ये लिखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निधन निजी क्षति है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी संवेदनाएं उन अनगिनत लोगों के साथ है जो दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे। वे ज्ञान, आध्यात्मिकता और सेवा भाव का असीम भंडार थे। भारत में संस्कृत में श्लोक पढ़ा जाता तो सवाल खड़े हो जाते, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयरलैंड में आयरिश बच्चों ने संस्कृत में मंत्रोच्चार करके और श्लोक पढ़कर मेरा स्वागत किया और ऐसा अगर भारत में होता तो सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े हो जाते। मोदी ने आयरलैंड के अपने संक्षिप्त प्रवास के समय भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आयरिश बच्चों ने मेरे स्वागत में संस्कृत में श्लोक पढ़े और मंत्रोच्चार किया। हिंदुस्तान में ऐसा होता तो पता नहीं सेक्युलरिज्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता। उन्होंने कहा, आयरिश बच्चों को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे रटी रटाई बोल रहे हों। इसके लिए मैं उनके शिक्षकों को बधाई देता हूं। अमेरिका में नहीं होगी मोदी की शरीफ से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के वर्तमान दौरे में अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अब तक ऐसी किसी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम तय नहीं है। मोदी और शरीफ दोनों ही शहर के प्रतिष्ठित होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया में रुक रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जानबूझकर रास्ते न मिले ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा। अगर वे हाथ मिलाते हैं तो आप देख लेंगे, अगर और कुछ होता है तो आप उसे देखेंगे।